हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उन डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब फिर से चैप्टर 1 वाले बच्चे यहाँ पर फिर से आ गए हैं। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है, हे टुडे आई गॉट टू नो अबाउट बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल। ये बच्चा कह रहा है कि मैं आज, ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में स्कूल में कुछ पढ़ा हूँ। ठीक है, तो ये बच्ची कहती है, वाओ प्लीज़ शेयर मी इंफॉर्मेशन विथ मी। तो अगर आपने पढ़ा है स्कूल में तो क्या तुम स्कूल की इंफॉर्मेशन मेरे साथ श्योर कर सकते हो? तो ये बच्चा कहता है, या श्योर, बिल्कुल। बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। चलिए, तो यहाँ पे बच्चा कहता है, यस श्योर, कंप्यूटर आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर। लेट हैव लुक एट दिस फिगर। तो क्वेश्चन ये कहता है बच्चा कि आप ये फिगर देख लीजिए। ठीक है, जो इसके चारों तरफ जो भी कंपोनेंट्स आपके रखे हुए हैं, CPU, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, ये सब चीज़ें क्या हैं? इसकी बेसिक पार्ट हैं। ठीक है, इनके बिना कंप्यूटर आपके चलाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ये कीबोर्ड के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इट इज़ यूज फॉर एंटरिंग वर्ड्स, नंबर एंड सिंबल इनटू द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें कोई वर्ड्स एंटर करना होता है, नंबर एंटर करने होते हैं या कोई सिंबल एंटर करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है सेकेंड नंबर है आपका माउस। तो माउस को क्या कहते हैं, इट इज़ यूज़ फॉर पॉइंटिंग आइटम्स ऑन स्क्रीन। यानी कि जब आपको किसी चीज़ में पॉइंट करना होता है, ये एरो की तरह बनना रहता है, ठीक है, या आपको क्लिक करना होता है, तो उससे हम किससे करते हैं? माउस से कहते हैं, और माउस को हम कहते हैं पॉइंटर डिवाइस। ठीक है ना, पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं, इट इज़ यूज़ टू लिसनिंग म्यूजिक एंड रिकॉर्डेड साउंड। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसको म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या सॉन्ग जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसको सुनने के लिए करते हैं, तो ये क्या है? ये है आपका दोस्तों स्पीकर। ठीक है, चलिए, अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इट्स लुक लाइक टीवी स्क्रीन। ये टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। सो वाट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड। तो जो भी चीज़ आप ये कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो आपका छपके कहाँ पे दिखेगा? आपके मॉनिटर पे, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है, मॉनिटर आपका टीवी के जैसा दिखता है। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को हम क्या, CPU का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर है आपका प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है कि जो भी चीज़ें आपको प्रिंट करनी है किसी पेज पे, उसको प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने जो काम किया हुआ है, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसे मैं हार्ड कॉपी इस पेज पे निकाल लूँ, तो हमें किसकी यूज़ पड़ेगी, इस प्रिंटर की यूज़ पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं, आपने बेसिक चीज़ें के बारे में जान लिया। अब चैप्टर नंबर 2 है आपका, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट लिखा है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नॉट शब्द देखते ही नहीं और आंसर कुछ और करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तभी आप उसका आंसर सटीक देंगे। तो देखिए, ये तो है दोस्तों कीबोर्ड, ठीक है ना, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये आपका मॉनिटर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, माइक्रोवेव ओवन है, ये आपका किचन का काम है। ठीक है, किचन का काम है, तो इसमें से कौन, क्या ये माइक्रोवेव ओवन का कंप्यूटर में कहीं काम है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर वॉचिंग मूवी। यानी कि इसमें ऐसा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसमें हम वॉच टीवी देख सकते हैं? तो प्रिंटर देखिए शीट को प्रिंट करने के काम आता है, माउस आपको पॉइंट करने का काम आता है, कीबोर्ड से हम लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। तो देखने वाली चीज़ें कहाँ पे हैं? वो है आपके मॉनिटर में। कहाँ पे हैं? मॉनिटर में है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए, तो मॉनिटर में हम क्या करते हैं दोस्तों, मूवीज़ देखते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो इसी मॉनिटर में आपका लिख के आता है। ठीक है, चलिए, अब 3rd नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इट विद द हेल्प ऑफ वायर। Which of the following part of computer can be connected wirelessly?
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो इनमें एक वायर होता है, और ये वायर कहाँ पे जाता है, सीपीयू में कनेक्ट होता है। ठीक है, माउस का भी वायर जाके कहाँ पे कनेक्ट होता है, सीपीयू में पीछे कनेक्ट होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना वायर के भी कनेक्ट हो सकती है। तो ये है आपके माउस और कीबोर्ड। ठीक है, ये बिना वायर के भी होते, क्योंकि अब वायरलेस वाले आपके आ चुके हैं। ठीक है ना, ब्लूटूथ वाले आपके ये आ चुके हैं, माउस कीबोर्ड। ठीक है, आप इन्हें कहीं भी लेके बैठ सकते हैं और वहाँ से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा बिना वायर के भी कनेक्ट हो सकता है, तो ये माउस और कीबोर्ड होगा। चलिए फोन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। देखिए करेक्ट मैच में हम करेंगे तो देखिए क्या ये प्रिंटर है, नहीं ये तो माउस है, ये माउस है। फिर मॉनिटर पे आते, क्या मॉनिटर नहीं, ये तो कीबोर्ड है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, सीपीयू है। क्या ये स्पीकर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या है, इट इज गिवन डिवाइस इज कॉल्ड, ये कौन सी डिवाइस है। ठीक है, तो ये डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। तो सबसे पहले आप देखिए कीबोर्ड यहाँ पे हम भरेंगे KEY की BOARD बोर्ड, और यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू एंटर द। तो ये इससे हम क्या एंटर करते हैं, यहाँ से नंबर एंटर करते हैं, सिंबल एंटर करते हैं, अल्फ़ाबेट वाले जो ABCD होते हैं उनको एंटर करते हैं। तो लेटर्स एंड सिंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंट्रोल्ड बाई द गिवन डिवाइस। तो ये कौन सी डिवाइस है, तो दोस्तों ये है आपकी सीपीयू। ठीक है ना, क्या है, सीपीयू है। और सीपीयू क्या करता है कि जितना भी आपका कंप्यूटर का काम है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, सीपीयू क्या करता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नीडेड इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन सॉन्ग ऑन द कंप्यूटर। तो इसमें गाना सुनने के लिए क्या चीज़ कंप्यूटर में यूज़ होगी, तो ये होगी आपकी स्पीकर। ये आपका पेज को प्रिंट करने के लिए होता है, या आपके सिंबल्स एंटर करने के लिए होते हैं, माउस आपका क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए होता है, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए होता है, या उस पर क्लिक करने के लिए होता है। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए पॉइंट आ गया ना, पॉइंटर डिवाइस होता है क्या, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो ये है आपका माउस, क्या है, माउस है। ठीक है, चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलोइंग टास्क टाइप ए लेटर ऑन कंप्यूटर। तो लेटर्स टाइप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी ऑफ दोस लेटर ऑन टू स्क्रीन पेपर, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक कॉपी हमें क्रिएट करनी है शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, तो शीट ऑफ पेपर पे जब हम प्रिंट करेंगे तो किससे करेंगे, प्रिंटर से करेंगे, किससे करेंगे, प्रिंटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, चलिए टेन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए टेन नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पीकर है दोस्तों, क्या है, स्पीकर है, SPEAKER स्पीकर। क्या ये प्रिंटर का काम करता है, नहीं। क्या ये फोटो लेता है, नहीं। इट इज़ यूज टू लिसन सॉन्ग, बिल्कुल ठीक बात है, ये गाना सुनने के काम में आता है। चलिए इलेवन नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल्स ओवरऑल वर्किंग, यानी कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इसमें भी ये कंप्यूटर का दिमाग करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। चलिए ट्वेल्व नंबर पे आते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन रिकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें सबसे डिफरेंट हमें ऑड करना है कि जो कंप्यूटर का पार्ट इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका फ़ोन होगा। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन है आपका, मोबाइल फ़ोन का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड, ये सब क्या है आपके, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे लिखा है रीमा वांट्स टू राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंप्यूटर। रीना अपना नाम लिखना चाहती है, ये इतने चीज़ें लिखना चाहती है, तो वो किससे लिखेगी,
क्या वो स्पीकर से लिखेगी, ठीक है, माइक से लिखेगी, या स्पीकर से लिखेगी, प्रिंटर से लिखेगी, या आपका कीबोर्ड से लिखेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लेटर्स लिखते हैं, कोई भी सिंबल लिखते हैं, या न्यूमेरिक नंबर होता है उसको लिखते हैं। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पिक्चर फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड। तो जम्बल्ड वर्ड से हम क्या बनाएंगे, इससे जो हमारा वर्ड बनेगा दोस्तों, तो देखिए यही 4 वर्ड्स बनने हैं, ठीक है। तो ये बनेगा कीबोर्ड, क्या की के यहाँ पे लिखा है, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। माउस, तो माउस की स्पेलिंग होती है MOUSE, तो MOUSE एस है ही नहीं इसमें, तो माउस भी नहीं बनेगा। स्पीकर बनेगा नहीं क्योंकि एस है इसमें, है ही नहीं, तो आपका बनेगा क्या, मॉनिटर बनेगा, ठीक है। देखिए MONITOR, ठीक है, तो मॉनिटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्लास फर्स्ट में हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस अगर आप किसी भी चीज़ की करते हैं तो धीरे धीरे आप उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, वॉट एवर यू टाइप यूजिंग कीबोर्ड इज शोन ऑन। तो कीबोर्ड से हम क्या टाइप करते हैं दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड से तो हम सिंबल टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, लेकिन वो हमें शो कहाँ पे होता है, यानी कि दिखता कहाँ पे है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अचीवर सेक्शन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मार्क एक्स एंड वाई, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्स आपका स्पीकर है और ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। तो एक्स में हमें क्या काम करेगा, तो इसे हम गाने सुनेंगे, ठीक है ना, स्पीकर से हम गाने सुनते हैं, ठीक है, और साउंड पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, एक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ यूज टू लिसन रिकॉर्डेड साउंड, ठीक है, ये बात ठीक दे रखी है। वाई के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ नोन एज स्पीकर, क्या इसे स्पीकर कहते हैं, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, इसे मॉनिटर कहते हैं। बी नंबर पर आते हैं, इट इज़ नोन एज स्पीकर, ठीक है, इसे स्पीकर कहते हैं जो एक्स पे लिखा हुआ है, और इट इज़ नोन एज मॉनिटर, वाई पे मॉनिटर है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द कंप्यूटर पार्ट्स हुज नेम हिडन इन द ग्रिड। तो कौन सा ग्रिड में छपा हुआ है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे 2 वर्ड छपे हुए हैं, एक तो आपका हो गया माउस, ठीक है ना, MOUSE माउस, और यहाँ पे आपका CPU, ठीक है, तो दो यहाँ पे बने माउस और CPU। कीबोर्ड आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 18 पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं। इट कैन बी कनेक्टेड वायरलेसली टू द कंप्यूटर, ये वायरलेस से भी इसमें क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें थी जो वायरलेसली कनेक्ट हो सकती थी, एक आपका कीबोर्ड था और एक आपका माउस था। इट इज़ यूज टू एंटर लेटर्स एंड नंबर, तो नंबर और लेटर लिखने के लिए हमें कौन काम आता है, कीबोर्ड काम आता है, ठीक है ना दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते, करेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द जम्बल वर्ड। तो इसमें जम्बल वर्ड जो बनेगा, ये बनेगा दोस्तों माउस, MOUSE माउस, ठीक है। तो माउस के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग आइटम्स ऑन कंप्यूटर, तो बिल्कुल ठीक बात लिखा है। ऑप्शन 3 भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी यहीं पे पहला ऑप्शन ही सही है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माउस का काम क्या है, पॉइंटिंग करना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे भी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि वो ऑप्शन गलत क्यों है। लिखा है, इट इज़ यूज फॉर लेटर ऑन द कंप्यूटर, तो क्या आप लेटर टाइप करते हैं माउस से, नहीं। इट इज़ यू लिसन म्यूजिक, क्या आप गाने सुनते हैं, नहीं। क्या कंट्रोल, क्या ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, नहीं, वो तो CPU करता है, तो माउस के बारे में ये गलत है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, यूज टू वॉच मूवी, मूवी देखने के लिए क्या काम आता है, तो ये है आपका CPU, क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और कीबोर्ड से क्या होता है, हम यहाँ पे लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 231, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 231, ठीक है। तो दोस्त ये तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, लेकिन आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये मेरा गूगल पे नंबर है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे कर सकते हैं। गूगल पे नंबर है 7007989164, मेरा नाम है सुधीर प्रजापति, ठीक है, आपको लिख के आएगा,
अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 क्या है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्त, ये हो गया वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।